चीन और पाकिस्तान को झटका देने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारत की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने विभिन्न रक्षा प्रस्तावों के लिए 84,560 करोड़ रुपए को आवश्यकता हेतु स्वीकृति दी है। बड़ी बात यह है कि वायुसेना और DRDO ने मिलकर चीन और पाकिस्तान की सीमा पर नजर रखने के लिए जासूसी विमान खरीदने की योजना बनाई है, जो आसमान से पूरे देश की निगरानी कर सके। वहीं जिस काउंसिल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी, उसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। वहीं अब आपको बताएंगे कि इस स्वीकृति से हमारी सेनाओं के लिए क्या क्या चीजें खरीदी जाएंगी। सबसे पहले बात करेंगे C-295 एयरक्राफ्ट की। 15 ट्विन टर्बो प्रॉप C-295 एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। इसमें से 9 नौसेना और 6 कोस्ट गार्ड के लिए होंगी। इस विमान को टाटा और एयरबस मिलकर बना रहे हैं। इसके अलावा वायुसेना के लिए 56 विमान बन रहे हैं। वायुसेना और DRDO ने मिलकर चीन और पाकिस्तान की सीमा पर नजर रखने के लिए 6 नेत्र मार्क 1 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट खरीदने का प्लान बनाया है। ये आसमान में हमारी निगाहें हैं। नेत्र एक खास तरह का यंत्र है जो एम्ब्रेयर विमान के ऊपर लगाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जासूसी और निगरानी है। 3 सिग्नल इंटेलिजेंस एंड कम्युनिकेशन जैमिंग एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे। ये एयरबस 319 विमान के ऊपर लगाए जाने वाले हैवी ड्यूटी सेंसर होते हैं। इसके अलावा वायुसेना के लिए 6 हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर विमान खरीदे जाएंगे। भारतीय सेना के लिए सबसे बड़ी डील है लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। इन्हें भी DRDO बना रहा है, इन्हें भी खरीदा जाएगा। इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। इसके अलावा 45,000 नई जनरेशन के प्रचंड एंटी टैंक बारूदी सुरंग, जिसमें भूकंपीय सेंसर लगे हैं, ये भी खरीदे जाएंगे। इन्हें रिमोट से फोड़ा जा सकेगा। नौसेना को 48 भारी वजन वाले टॉर्पीडो की अनुमति मिल गई है। ये टॉर्पीडो 6 कलवारी यानी स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियों में लगाए जाएंगे। इसके अलावा 24 एंटी सबमरीन, MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर, हेलफायर मिसाइल, MK-54 टॉर्पीडो और प्रेसिजन किल रॉकेट्स खरीदे जाएंगे। भारतीय तटरक्षक की जरूरत के मुताबिक सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो की खरीद के लिए खरीदारी की मंजूरी दी गई है। ये भारतीय तटरक्षक और भारतीय नौसेना इकाइयों के बीच निर्बाध सूचना आदान प्रदान के लिए सुरक्षित नेटवर्किंग क्षमता के साथ उच्च गति संचार की भारतीय तटरक्षक की आवश्यकता को पूरा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।